जी आयनु प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश मीडियम दी 8th क्लास दी मैथ दी बुक चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इन इनवर्स प्रोपोर्शंस एक्सरसाइज 11.2 ते इस एक्सरसाइज दे अगले 3 क्वेश्चंस 9th 10th एंड 11th असी इस वीडियो च करांगे। तुसी वीडियो नु बड़े ध्यान नाल देखो, सुनो ते समझो। सॉल्यूशंस नु अपनी नोटबुक विच कॉपी डाउन कर लो, पर बाद विचों इन्हां क्वेश्चंस नु बिना देखे अपने आप करन दी प्रैक्टिस भी जरूर करो। सवाल शुरू करिए। इसी चैनल ते प्यारे विद्यार्थियों 8th क्लास नाल जुड़ियां कुछ होर प्लेलिस्ट भी हैगियां हन, तुसी उन्हां नु भी जरूर देखो। एक हैगी 8th मैथ नोट्स, एक हैगी 8th साइंस, फिर हैगी 8th इंग्लिश, एक हैगी 8th ग्रामर, एक हैगी मैथ कॉन्सेप्ट्स ते एक हैगी मैथ शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। सो देखिए बच्चों अगले क्वेश्चंस नाउ। कि क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, टू पर्संस कुड फिट द एसी यूनिट इन अ हाउस इन 2 आवर्स। भी दो बंदे जड़े ने वो एसी दी जड़ी या एसी दा जो सिस्टम है उन्हों एक घर विच 2 घंटिया विच फिट कर सकते सीगे। ठीक है, वन परसन फेल इल, उन्हें चो एक बंदा बीमार हो गया बिफोर दी वर्क, काम शुरू करने तो पहला। ठीक है, बिफोर द वर्क स्टार्टेड, इस तो पहले ही काम शुरू होता है, एक बंदा बीमार हो गया। सो इन दो चोने कल्ला एक बंदा रह गया। कहते हाउ लोंग वुड दी जॉब टेक नाउ, तो उन्हें एक बंदा रह गया है तो हूँ काम में कितना समा लगेगा। सो बच्चों असं जानते हाँ कि अगर घट बंदे हो ज़्यादा समा लगेगा, ज़्यादा बंदे हो घट समा लगेगा। सो फ्यूअर परसनस विल टेक मोर टाइम टू फिनिश वर्क। फ्यूअर परसनस, अगर बंदे की गिनती घट होएगी ते काम खत्म करने ज्यादा समय लगेगा। सो फ्यूअर ते मोर, इट मीन्स वन क्वांटिटी अगर घटती है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है। सो देयर इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन दी नंबर ऑफ पर्संस एंड दी टाइम। ठीक है जी। सो असी फाइंड आउट की करना है, हाउ लॉन्ग, फिर टाइम पता करना है, इस करके टाइम नो असी लेफ्ट लेफ्ट साइड पे लिख लेना है। सो सपोज टी वन इज इक्वल टू 2 आवर्स है वाला, एंड एम वन इज इक्वल टू 2 पर्संस, एम मैने मैन, सो 2 पर्संस एंड टी टू क्वेश्चन मार्क, हाउ लॉन्ग फाइंड आउट करना अपना। तो एम टू है बच्चे हूँ हो जाएगा 1, क्योंकि 2 चो एक बंदा बीमार हो गया। सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 पर्सन। ठीक है जी। सो बिकॉज इट इज इनवर्स प्रपोर्शन, सो इनवर्स प्रपोर्शन का जो कंडीशन की होंगी है, टी टू एम टू इज इक्वल टू टी वन एम वन। सो टी टू फाइंड आउट करना है, सो इस करके एम टू नू असी इधरों दी इतने थले लेवे, टी वन एम वन अपॉन एम टू आ जाएगा। सो टी टू इज इक्वल टू टी वन इंटू एम वन अपॉन एम टू। तो हम असी वैल्यू सारी पा देंगे, टी वन इज टू, एम वन इज टू एंड एम टू इज 1। लो जी, सो 2 इंटू 2 इज 4, 4 अपॉन 1 इज 4, सो आंसर इज 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। यह आ गया आवर्स, क्योंकि यह टी वन जरा है आवर्स विच आ गया, सो टी टू भी आवर्स विच होएगा। सो दस वन परसन वुड टेक 4 आवर्स टू डू दी जॉब। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अरेंजमेंट ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स इन एन एग्जाम हॉल इज डन बाय 10 वर्कर्स इन 2 आवर्स। एक इम्तिहान दे हॉल दे विच, इम्तिहान दा वड्डा कमरा बनया होया है जिथे इम्तिहान होना है, वो कुर्सियां ते टेबल जड़े ने वो तरतीब नाल लगाने ने, ते उस काम करन नू 2 घंटिया विच, जे 2 घंटे का समा होवे ते 10 वर्कर 10 कामे चाहिए ने, 10 बंदे चाहिए ने। ठीक है, फिर कहिंदे हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड, भी किन्ने बंदे चाहिए होणगे टू डू दी सेम वर्क इन 4 आवर्स। जे समा साढ़े को 2 घंटे की बजाय 4 घंटे होण, ते फिर कहिंदे दसो किन्ने वर्करां दी किन्ने कामियां दी लोड़ पवेगी। सो बच्चों असं जानते हैं जो समा ज़्यादा है तो कहने बंदे भाई तू इन्ने बंदे ना भेज, तू मैनू थोड़े बंदे घट भेज, क्योंकि मेरे को समा बहुत है। सो असी कहांगे मोर अवेलेबल टाइम विल डू विद फ्यूअर वर्कर्स। कहने का मतलब कि जो समा ज़्यादा साढ़े को उपलब्ध है तो साडा थोड़े कामियां नाल सर जाएगा। विल डू विद मैंने साडा सर जाएगा। सो मोर अवेलेबल टाइम विल डू विद फ्यूअर वर्कर्स, ज़्यादा उपलब्ध समय के नाल थोड़े कामियां दे नाल काम सर जाएगा। सो देयर इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन द टाइम एंड द वर्कर्स। हुण असीं बच्चों असीं वर्कर्स फाइंड आउट करने, हाउ मैनी वर्कर्स, सो असीं उन्हूं वर्कर्स नूं मैन लैके चलते हैं, एम फॉर मैन। सो असीं फिर एम नूं असीं लैफ्ट साइड ते लिखांगे। इह सवाल बच्चों
नाइन्थ क्वेश्चन और टेंथ क्वेश्चन दोनों इक्को जेन है। नाइन्थ क्वेश्चन विच असी टाइम फाइंड आउट करना सी वा, ते टेंथ क्वेश्चन विच असी नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड आउट करना है। सो नाइन्थ क्वेश्चन विच असी टी वन ते टी टू लैफ्ट साइड ते लिखा सीगा, हुण टेंथ क्वेश्चन विच असी एम वन ते एम टू लैफ्ट साइड ते लिखांगे इत्थे, ठीक है ना। सो एम वन इज इक्वल टू टेन वर्कर्स, देखो टेन वर्कर्स, ते टी वन इज इक्वल टू टू आवर्स, टू आवर्स, ठीक है। एम टू इज क्वेश्चन मार्क क्योंकि हाउ मनी वर्कर्स, ते एम टू कितना है, सॉरी टी टू कितना है, फोर आवर्स। सो टी टू इज इक्वल टू फोर आवर्स। सो बिकॉज इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, देयर फोर नाउ एम टू टी टू इज इक्वल टू एम वन टी वन। सो सी एम टू फाइंड आउट करना है, सो एम टू कला इतने रह जाएगा, तो टी टू जरा है यह थले आ जाएगा, ये टी टू थले आ जाएगा तो कला एम टू रह गया। सो एम टू इज इक्वल टू एम वन इंटू टी वन बाय टी टू। हूँ असं वैल्यूज पा देवे, एम वन इज टेन, टी वन इज टू, तो टी टू इज फोर। हूँ दो एकम दो, तो दो दुनी चार, सो आ गया टेन अपॉन टू। सो टेन अपॉन टू, दो एकम दो, दो पंजे दस, फाइव आ गया। सो यह की आ गया फाइव वर्कर्स, दस फाइव वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन फोर आवर्स। इस तरह प्यारे विद्यार्थियों यह सवाल करना है। आओ हूँ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इलेवंथ, कहते अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। कहने मतलब कि एक फैक्ट्री हैगी है, तो उन्हों 42 मशीन चाहिए ने किसी एक खास किस्म के आर्टिकल नू, वस्तु नू बनाने के लिए, किन्ने दिन 63 दिन 63 डेज है ने, तो कोई आर्टिकल्स बनाने ने, तो 43 मशीन लगदी जे 62 डेज हो। तो बच्चे फिर कहें हाउ मैनी मोर मशीनस वुड बी रिक्वायर्ड, और ज़्यादा मशीन किनिया की लड़ पेगी टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। हूँ डेज कट गए, हूँ जो समा कट है तो चीज़ा उन्नी बनानी है, तो फिर ज़्यादा मशीन चाहिए। तुम बच्चों यह समझो कि जो क्वेश्चन अभी नाइनथ और टेंथ किए हैं, यह इलेवंथ क्वेश्चन भी बिल्कुल वो वर्ग है। उत्थे सिगे वर्कर्स, तो इतने है मशीन, मशीन भी कम कर दी, बंदे भी कम करते हैं। सो जिन्ने ज़्यादा समा होएगा उन्निया घट मशीन, तो जिन्ना घट समा होएगा उन्निया वध मशीन। हुण समा घट रहा है, पहले कहते 63 डेज, हुण कहते 54 डेज। सो फ्यूअर डेज अवेलेबल विल रिक्वायर मोर मशीनस। सो वैन डेज आर फ्यूअर, जो दे दिन घट हो गए तो मशीन ज़्यादा लगनगियाँ। सो इतने हैगा फ्यूअर, इतने हैगा मोर। सो इस करके सो देयर इज़ एन इनवर्स प्रपोर्शन बिटवीन द नंबर ऑफ डेज एंड मशीनस। सो दिनों के विच अते मशीनों की गिनती के विच इनवर्स प्रपोर्शन है। सो असी फाइंड आउट की करना है मशीनस। सो असी मशीनस नूं लैफ्ट साइड पर लिखांगे एम फॉर मशीनस। सपोज एम वन इज इक्वल टू 42 है पहली लाइन 42, तो डी वन डेज 63 डेज, ठीक है। एंड एम टू क्वेश्चन मार्क जो फाइंड आउट करना है, एंड डी टू इज इक्वल टू 54 डेज। हुण बिकॉज ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन एम टू डी टू इज इक्वल टू एम वन डी वन। सो असी एम टू फाइंड आउट करना है, सो डी वन थले आ जाएगा, डी टू थले आ जाएगा, ठीक है, बटा करके डी टू थले। सो एम टू इज इक्वल टू एम वन इंटू डी वन अपॉन डी टू। सो असी एम वन इज 42, डी वन इज अपना 63, तो डी टू इज 54। हूँ 63 और 54 है, 9 के डिवाइड होता है, 9 7 63 तो 9 6 54, 9 6 का 54, 9 7 का 63। सो 42 इंटू 7 अपॉन 6, फिर 6 एकम 6, 6 7 42। सो 7 इंटू 7 इज टू 49 मशीनस विल बी रिक्वायर्ड। पर इन्हें की क्या बच्चे, कहते हाउ मैनी मोर मशीनस वुड बी रिक्वायर्ड। सो बच्चो यह 49 है, तो 42 है, सबट्रैक्ट कर दो, तो उन्हें 7 मोर मशीनस, क्योंकि जो 7 मशीन 42 ऐड हो गई, तो टोटल 49 हो जाएगा, ठीक है। सो दस 7 मोर मशीनस, कहना हाउ मैनी मोर मशीनस। सो दस 7 मोर मशीनस कि 7, 49 माइनस 42, 49 मशीन चाहिए, 42 पहले ही है, तो 49 माइनस 42 7, 7 मशीन होर चाहिए। दस 7 मोर मशीनस वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। सो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों तुहाडी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11, तुसी इसी तरह नेम नाल, उत्साह नाल, अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, ते अगले वीडियो तक लई रब राखा। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद।